हाय। आप लोग तो कई गन्ने चलाते हो यार। हाँ आप लोग कई गन्ने चलाते और बोलते हो आराम चलाते भाई। अच्छा चलाते, गंदा क्या होता है यार भाई। अच्छा चलाते हम लोग, अच्छा चलाते ना यार। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे एक नए वीडियो में। तो आज अपन लोग जा रहे हैं फिर से एक नई राइड पे न्यू रायपुर। तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो आई नहीं, उसकी स्ट्रीम भी सॉरी, क्योंकि मेरी जो पुरानी वीडियोज थी उससे अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ नहीं रहे थे, तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो फिलहाल अपन फिर से अपन एक न्यू राइड पर जा रहे हैं और आपको एक फिर से न्यू फ्रेश वीडियो मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहो। और अपन अभी यहाँ से जाएंगे MD, और MD में अपने एक फ्रेंड आ रहा है जिसने यूट्यूब पे कमेंट किया था मेरे में, उसने रिक्वेस्ट की थी कि भाई राइड पे चलना है आपके साथ करके। तो उसी के लिए अपन आज राइड पे जा रहे हैं, और अपना भाई भी आ रहा है अभिषेक भैया रॉय बॉय, और वो अपन तीन जने जाएंगे। तो आज का अपना मीटअप पॉइंट है MD। तो अपनी राइड आज MD से स्टार्ट होगी। तो MD में वो भाई आएगा और अभिषेक भैया भी वहीं पास आएंगे, फिर वहां से अपनी राइड शुरू होगी। तो फिलहाल MD चलते हैं, उसके बाद फिर आगे की राइड शुरू करते हैं। और भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज, वैसे MD में ट्रैफिक रोज ही होती है रायपुर में। तो फिलहाल चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर अपनी राइड तो रहेगी न्यू रायपुर की, वहाँ की सड़कें खाली रहेगी। रायपुर से निकलना होगा यहाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा परेशान करती है यहाँ पे। फिलहाल चलते हैं MD, और MD से फिर चलेंगे न्यू रायपुर। आज अपने पास तीन बाइक रहेंगी, एक R15 V4, दूसरी भी R15 V4, और तीसरी रहेगी अपनी R15 V3 अभिषेक भैया की। तो फिलहाल चलते हैं, लेट्स गो गाइस। तो गाइस भाई लोग आ चुके हैं और अपन निकल चुके हैं यहाँ, अपने को एक घंटा वेट करना पड़ा। तो ये अपना नी भाई, ओ भाई देख लो इनका शुरू हो गया। तो फिलहाल अपने भाई लोग आ चुके हैं, ये अपनी न्यू R15 V4 ब्लू कलर, जो न्यू बंदा जो कमेंट किया था मेरे वीडियो में वो आ गया है, और अपने अभिषेक भैया भी आ गए जो विली मारते आगे निकल चुके हैं। तो फिलहाल अपनी राइड शुरू करते हैं और चलते हैं न्यू रायपुर की तरफ। यहाँ से ले अपने को यू टर्न और फिर आगे चलते। फिलहाल अपन है अभी तेली बांधा पे। चलो गाइस चलते, भाई लोग को आने देते थोड़ा सा। फिर आगे अपने अभिषेक भैया और अपना एक बंदा भी पीछे है, तो ये भी आ गए। तो चलो चलते हैं। ट्रैफिक है तो थोड़ा स्लो चला लेते अभी, फिर आगे तो अपने को रफ चलाना ही है न्यू रायपुर में। थोड़ा सा स्टार्टअप ले लिया अपन ने, चलते। फिलहाल अभी एक भैया तो आ गया सामने, और एक बंदा शायद अपना भी पीछे है। ओ भाई 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 भाई, भाई। तो अभिषेक भैया आज पूरे फुल मूड में लग रहा है, मैं ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से बाइक चलाई नहीं है, ऐसा रफ चला रहा है अभी फिलहाल। ये देखो कैसे कट मार के निकल रहा है। ये थोड़ा खतरनाक था, भाई दोनों बंदे भी पीछे हो चुके और अपन अभी आगे है। और गाड़ी थोड़ा स्लो कर दें वो आने, तो फिर आगे पेट्रोल पंप पे हम लोग को फ्यूल अप भी कराना है। तो फिलहाल गाड़ी स्लो करते हैं। तो भाई अपने आगे अभिषेक भैया,
और एक बंदा अपना पीछे जिनका वेट करते हैं, जो न्यू बंदा है अपना, वो भाई बहुत पीछे हो गया लगता है। अपन ने रफ चला दिया तो शायद वो स्लो ही आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। और भाई भाई कितना पीछे हो गए थे ऐसा क्या? चलो कोई नहीं, फ्यूल अप कराओगे? फिलहाल अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, फ्यूल अप हो चुका है भैया का और अब चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो बॉयज। राइड खतरनाक होने वाली है, वीडियो पे आगे बने रहे और देखो ये राइड आगे क्या क्या होता है। फिलहाल अपन अभी VIP चौक पे तेलीबांधा और यहाँ से अपन जाएंगे राइड राम मंदिर होते हुए न्यू रायपुर। तो अभी से एक भैया फिर से अपने आगे आ चुके हैं और एक भाई अपना फिर से पीछे है। भाई ये कहाँ आ रहा है भाई रॉन्ग साइड से, कहीं भी घुस जाते हैं। तो आगे अपने दूसरे भाई भी, तो चलो चलते हैं। भाई सामने से लाइट आ रही है तो भाई प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, सामने फेस पे लाइट पड़ रही है। ओ भाई क्या सुन से निकले, खतरनाक। लाइटिंग बहुत अच्छी इस रोड में ना, न्यू रायपुर जैसा लाइटिंग यहाँ भी है तो चलाने में बहुत मज़ा आता है। और गाड़ी अपनी हाई बीम में है तो भाई पासिंग मार रहे सामने वाले, तो लो बीम कर लेते, उनको ध्यान ही नहीं था। अभी एक गाड़ी पासिंग मारा तब जाके समझ आया कि गाड़ी हाई बीम पे था। जब वैसे लाइटिंग काफ़ी है तो भाई लाइट उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और न्यू रायपुर में तो भाई ऑलरेडी बहुत सारी लाइट है, और अभी VIP रोड पर भी काफ़ी लाइटिंग अच्छी हो चुकी है। तो फिलहाल चलते हैं और ये भाई निकले। ओ भाई कार वाले क्या कर रहे हैं भाई, टर्निंग है वहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं, खुद भी जाएंगे सामने वाले को भी ले जाएंगे हम जैसे एक हाथ को। जैसे VIP रोड में आप जब सेंटर वाले रोड पे चलोगे तो आपको एक दिक्कत नहीं होती कि यहाँ पे जानवर वगैरह कुछ नहीं आते। सेंटर वाले रोड में आएंगे तो साइड वाले में आएंगे बट सेंटर में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे बीच में डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं है। राम मंदिर से जैसे आप घुसोगे फिर चौक पे, चौक के बाद सीधा नया रायपुर, वहाँ पे आएगा आपका डिवाइडर। तो इस बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता भाई, आराम से आप चला सकते हो गाड़ी, उतना दिक्कत नहीं होता है। बट यही है सामने से भी गाड़ियाँ इसी लाइन पर आती तो वो एक दिक्कत होता है लाइटिंग वगैरह का और टर्निंग में। बाकी भाई रास्ते तो मस्त है अपनी गाड़ी भगाने के लिए, टॉप क्लास। भाई अपग्रेड होते जा रहे हैं रोड और लाइटिंग बढ़ा दी गई यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मेरे को। पहले थोड़ी कम थी, जैसे नाइट में आओगे तो बीच बीच में लाइटिंग थोड़ी कम लग रही थी, लेकिन अब भाई प्रॉपर लाइट यहाँ पर है VIP रोड पर। और भाई न्यू रायपुर में तो लाइट पहले से है, यहाँ पे भी लाइटिंग थोड़ी बढ़ा दी गई जो कि बहुत अच्छा है हम राइडरों के लिए, क्योंकि भाई बाइक में ऐसे लाइटिंग का प्रॉब्लम होता ही है ओवर स्पीड में जब आप रहोगे तो। नॉर्मली चलाने के लिए तो भाई लाइटिंग रहती है सब गाड़ी में, बट जब आप टॉप स्पीड में लेके जाते हो तो वहाँ पे भाई लाइटिंग आपको कम लगती है, क्योंकि आपको बहुत दूर का सामने कैप्चर करना होता है कि भाई कुछ है तो नहीं हो करके, क्योंकि आपको गाड़ी कंट्रोल के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है और थोड़ा स्पेस भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भाई ये बहुत अच्छा हो गया।
फिलहाल अपन न्यू रायपुर पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे भाई बहुत सारी गाड़ियाँ दिख रहे हैं। नॉर्मल अपन जब नाइट में राइड करने आते हैं तो भाई इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखती, और यहाँ पे भाई क्या हो गया, चलो ऐसी आए। हाय, हाँ भाई अच्छा चलाते, गंदा क्या होता है यार भाई, अच्छा चलाते हम लोग, अच्छा चलाते ना यार भाई, बोल रहे गंदा जाते है, देखो भाई कितना अच्छा चलाते जा रहे हैं भाई, गंदा चलाते बोलते यार, उनको बोलो बोले थे आराम से चलाता, मैं तो नहीं बोला भाई आराम से चलाता हूँ ऐसा क्या समझे भगाना भी नहीं है। हम लोग यहाँ प्रॉपर आए हुए हैं, जगह जानते हैं, ये भी नहीं है कि अनाधुन भगाना भी है। अब तुम जान रहे हो वहाँ पे टर्निंग है, तुम तो जबरदस्ती भगा रहे हो, कहाँ जाओगे आगे जाओ, जो करना चाहिए पता है आगे टर्निंग है घंटा या फिर और कुछ, वहाँ से इशारा देना ही पड़ता है, अब दूसरा बंदा भगा जा रहा पता कर आगे वाला बंदा मार दे जा। सही है, आप भी तो और आगे हो ना, हाँ तो फिर रास्ता तो उतना पता होगा ना, पहले स्प्लेंडर में आता था, एक डेढ़ साल मेहनत किया R15 V4 लेके आया। अरे भाई नाइस, महान फेमस यूट्यूबर रायपुर के राइडर, नाम भूल गया, बाइक में दिखा लो द मोटो एक्सपर्ट के साथ आए ये। हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू रायपुर, तो अरे भाई इसके बाद हमारा आगे के चलेगा रास्ता। तो फिलहाल भैया थोड़ी क्लिप ले रहे हैं, शॉर्ट क्लिप अपने यूट्यूब हैंडल के लिए, और फिर अपन यहाँ से निकलेंगे।